हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटफ्लिक्स की पॉपुलर टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग। इस सीजन के लिए मेरे को किसी ने बोला था कि भाई इसको भी देखा करो और इसके भी अपडेट दिया करो। तो फाइनली जब मैंने उसके कहने पर ये टीवी सीरीज देखी तो पहला सीजन देखते ही मुझे ऐसा लगा कि आगे क्या होगा। तो 5 दिन में मैंने तीनों सीजन देख डाले और रियली मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये टीवी सीरीज नहीं देखी है तो उसको देखो और आपको भी ऐसा लगेगा कि आने वाला सीजन कैसा होगा, आपको भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में, तो उसका सीजन 4 की शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर ने बोला है कि 2020 में और 2021 के बीच में से लॉन्च करा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर 25 तारीख को लॉन्च करा जाएगा दिसंबर के महीने में, जब क्रिसमस का टाइम चल रहा होगा। तो सीजन 4 काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और इसके जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको 100% दूंगा। उसी के साथ जोकर की अपकमिंग मूवी है, उसका आईमैक्स पोस्टर लॉन्च करा गया है, काफी कमाल का लग रहा है और ये डीसी की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। शज़ाम, वंडर वुमन, इस टाइप की जोकर भी होने वाली है। बर्ड्स ऑफ प्रे का भी ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च कर दिया गया जिसमें मार्गरेट रॉबर्ट को दिखाया गया है, जिसमें कि बाकी कैरेक्टर पंछी बने उड़ रहे हैं, काफी कमाल का लग रहा है। जे एंड साइलेंट बॉब रिबूट हो रही है मूवी, सभी को पता है, और इसी का एक पोस्टर लॉन्च करा गया जो कि एवेंजर एंड गेम से काफी ज्यादा इंस्पायर है। जी हाँ, आप देख सकते हो पीछे का वॉलपेपर। उसी के साथ हैलोवीन मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसपे की एक चेयर पर चक्कू रखा हुआ है। इस सीरीज का सेकंड पार्ट है जो कि काफी कमाल का होने वाला है और ये मूवी रिलीज होगी 2020 में 2021 में। जी हाँ, शायद कोई ऑफिशियली रिलीजिंग डेट भी अभी तक आई नहीं है। सेल्मा हेंकल ने फाइनली एक बिहाइंड द सीन इमेज डाला है जो कि ये द इंटरनल्स मूवी का, जिसमें कि हैरिंगटन को भी दिखाया गया है, काफी कमाल का लग रहा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग का तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, इसके ऊपर एक ऑफिशियली टीवी सीरीज बन रही है जो कि एक प्रीक्वल मूवी होने वाली है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि जो लॉर्ड ऑफ द रिंग में कैरेक्टर थे तीनों पार्टों में, उसमें पुराने कैरेक्टर भी रिटर्न होंगे टीवी सीरीज में, यानी कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है और मैं तो ये कहूंगा कि इस टीवी सीरीज को भी जरूर देखना। जोकर के डायरेक्टर ने कंफर्म करा है कि इसका सेकंड पार्ट का भी कोई प्लान नहीं है। उन्होंने क्लियर ही कहा है कि अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है जोकर के सेकंड पार्ट के बनाने का, पहले इस मूवी को रिलीज हो जाने दो, इसकी हिटिंग देखने दो कितनी होती है। सोनी के डील के बाद कंफर्म हो चुका है कि जे कैरेक्टर फाइनली कंफर्म हो चुका है कि वो अपकमिंग सोनी मूवी में आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर पहले मार्वल के पास था। उसी के साथ जोरासिक वर्ल्ड के डायरेक्टर साइन कर चुके हैं गार्डियन द गैलेक्सी को, क्योंकि वो शायद इसे सेकंड डायरेक्टर को मैं ऐसा रखना चाहते हैं मार्वल स्टूडियो। उसी के साथ टाइटन सीजन के कुछ एनी बियंड द सीन्स आई हैं और भी काफ़ी सारी इमेजेस भी हैं जो कि मेरे ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डली हुई हैं, अब जाके देख सकते हो। टाइटन सीजन भी काफ़ी कमाल का है और स्ट्रेंथ थिंग के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको देखना स्टार्ट करूँ और इसके भी मैं अपडेट डेली दिया करूँगा, पर सीजन देखने के बाद, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं हो तब तक आप उसके बारे में अपडेट कैसे दे सकते हो। टॉबी कन्फर्म हो चुके हैं एक सुसाइड स्क्वाड मूवी में आ रहे हैं जो कि जेम्स गन की है और काफ़ी कमाल की होने वाली है ये मूवी भी। उसी के साथ आपको एक खुशखबरी है कि सीजन 6 जो कि फ्लैश का आने वाला है उसके कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस आए हैं जिसमें कि उसको गोल्डन आर्मर देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी कमाल का है। देन मेरे को ये भी सीजन देखना स्टार्ट करना पड़ेगा और देन ये सीजन की भी लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताओगे और कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया टीवी सीरीज हैं जो कि देखने लायक हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।